लोगों के मन में एक संशय यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 403 सीटें हैं, अगर वहां पर टाइम से वोट प्रतिशत जारी कर दिया जाता है, चुनाव आयोग का सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेता है, देश की राजधानी दिल्ली में हाईटेक इस मौजूदा वक्त में जहां टेक्निक और टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाईफाई है, इस बार जैसे वोटिंग जो हुई है, पहली चीज पहली बार वोटिंग हुई है, इस बार QR कोड का इस्तेमाल किया गया है कि अगर कोई भी पहले क्या होता था, जाइए टिक लगाइए हो जाता, थोड़ा इजली हो जाता था, और ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसमें होते हैं, कुछ एजेड लोग होते हैं, वो QR मशीन चलाना या जो भी दिल्ली सरकार की एम्प्लॉई थे वो, तो उसमें क्या होता है QR कोड में एक व्यक्ति को वोट कराने कम से कम 2 से 3 मिनट लगता, इस वजह से बड़ी लंबी काफी देर तक लाइनें लगी हुई थी और उनको कंसोलिडेट करते करते टाइम लग गया, क्योंकि QR कोड है वहां जाएंगे तो वो उनका ऑब्वियसली ज्यादा वक्त वक्त लग जाता है, क्योंकि नया प्रयोग था दिल्ली के लिए, वो प्रयोग किया गया। रह गई संजय जी और ये सभी वरिष्ठ नेता हैं, आप भाई राज्यसभा सांसद हैं, आप सारी चीजें हैं, जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था कि आप ईवीएम मशीन का आप आके ट्रायल करिए यहां देखिए, तब तो आपके यहां से कोई नहीं, आपको ये आरोप लगाना उचित नहीं रहता, क्योंकि आप खुद एक लेजिस्लेशन में बैठे हुए, सरकार आप चला चुके हैं, दूसरे टर्म आपके CM रह चुके, तो उचित नहीं लगता ऐसे आरोप। मगर दिल्ली के जनता के नब्ज को टटोलने में क्या थोड़ा सा इस बार फॉर ग्रांटेड लिया गया कि साहब हम जो समझ रहे हैं वही सही है? नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। हमारे मत प्रतिशत बढ़े हैं और जो वोट का मार्जिन अभी जो अभी काउंटिंग चल रही है, काफी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी लीड के साथ, चाहे उनके चाहे मनीष सिसोदिया जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, इवन CM साहब जो अभी दिल्ली के, तो वो खुद क्या कहते हैं बहुत बड़े मार्जिन के साथ में नहीं आगे लीड कर रहे हैं, बहुत मिनिमम मार्जिन के साथ लीड कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर इनकी जीत भी होगी तो बहुत मिनिमम मार्जिन से होती, बहुत लॉन्ग मार्जिन से जीत नहीं होगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोकसभा के अंदर 7-0 थे, हम क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय परिदृश्य से हम लोग देखते हैं और हर चुनाव को मेहनत से लड़ते हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि हम चुनाव, क्योंकि तभी हम 2 पार्टी से लेकर 303 तक पहुंचे हैं और केंद्र में हम सरकार बना रहे हैं। ठीक है, परविंदर सेठी जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 70 सीटों में अगर देखा जाए तो करीब 60 से 65 विधानसभा क्षेत्रों की सीटों पर BJP आगे थी, मगर वो ट्रेंड लोकसभा में नहीं दिखा, हालांकि दिल्ली का अपना एक नेचर है। नहीं देखिए, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब परिस्थिति अलग थी। देखिए, जैसे एक तो पुलवामा के बाद मैंने आपको बताया एक राष्ट्रवाद का एक पूरी तरह से एक फैल गया था लोगों के अंदर, तो सब लोग एक छत्र के नीचे आ गए। मैं यहीं पर एक सवाल करना चाहता हूं, क्या उस वक्त पुलवामा के बुनियाद पर BJP ने उसे कैश कराने की कोशिश की, अगर आप ये कहना चाहते हैं, और उसी ट्रेंड पर शाहीनबाग जैसी चीजों को सामने ला करके गेन करने की कोशिश BJP ने किया? देखिए, मैं इस तरह का इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिला उस चीज का, भारतीय जनता पार्टी को उस चीज का, जिस तरह से उन्होंने डील करा उसका बेनिफिट मिला, और शाहीनबाग का नुकसान भी हुआ। ठीक है, रफी अता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, रफी जी अपनी बात आप रखें। सर मैं, हेलो जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा हुआ है ना, वो कम्युनलाइज किया है ना इन्होंने, इलेक्शन को जो कम्युनलाइज किया है तो उसका ही इनको फायदा हुआ। इन्होंने इलेक्शन में पूरी तरीके से कम्युनलाइज किया इलेक्शन को। आप देखिए इनका बयानों, इनके जो नेता थे प्रवेश वर्मा, कम्युनलाइज और पोलराइज की वजह से BJP को यह फायदा हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? फिर BJP को तो बड़े स्तर पर फायदा होना चाहिए था। नहीं, इतना इन्होंने कुछ किया नहीं है, इनको जितना होना चाहिए था, हम ये उम्मीद करते थे कि जनता जो अभी भी हम ये उम्मीद करते कि जनता इनको नकारेगी, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने धूलीकरण किया ना लोगों को, इन्होंने जो उस तरीके से कुछ समझाया है या कुछ किया है, तो लोग इनके बहकावे में कुछ लोग आए हैं जिनका इनको फायदा हुआ है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी बेशक वो सत्ता के करीब है या कल सत्ता में आ जाएगी, वो जो आ जाती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई थी और भारतीय जनता पार्टी और जो आम आदमी की लड़ाई है वो कुर्सी की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, हम शाहीनबाग। अब ऐसे में कई सारे लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं आपसे, समझना चाहते हैं कि क्या वाकई पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कहीं कोई डील तो नहीं होगी कि साहब लोकसभा में तुम हमारा ख्याल रखना, हम विधानसभा से हम वॉकआउट कर जाते हैं। जब्बार साहब कमाल कर रहे हो, सर कमाल कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं,
पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं, हमारे उम्मीदवार बिल्कुल मजबूत थे। आपने देखा होगा हमारे सभी शीर्ष नेताओं ने चुनाव लड़ा है, मजबूत जो जिला हमारे प्रत्याशी थे सारे मजबूत थे, और हमें अभी भी उम्मीद है जब परिणाम आखिरी में आएंगे तो कुछ सीटें हमारी ऐसी है जहां पे हमें जो कामयाबी मिलेगी और इंशाल्लाह जरूर उसमें हमारे जो कैबिनेट काम में जनता है। अब जनता ने जो फैसला नहीं दिया उनको मुफ्त का बिजली और मुफ्त का जो पानी का इन्होंने जो झांसा दिया, हालांकि आगे ये देंगे कि नहीं देंगे मुझे नहीं सब पता है कि आगे क्या करना चाह रहे हैं ये जो आम आदमी पार्टी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि केजरीवाल से मैं पूछना यह चाहता हूँ कि शाहीन बाग का जो आंदोलन है उसके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, अब तो बता दो केजरीवाल जी। अब आप सत्ता में आ रहे हो, आप देखिए ये शाहीन बाग से दूर भागे आप खड़े हैं, ये शाहीन बाग जी हम तो खड़े हैं शाहीन बाग के साथ, नहीं आप खड़े हैं उनके साथ में, बिल्कुल हम बिल्कुल खड़े हैं, हम बिल्कुल संविधान के तो आप अगर खड़े हैं साथ में तो वहां आप जाते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को जाना चाहिए, वहां राहुल गांधी को जाना चाहिए, वहां प्रियंका गांधी को जाना चाहिए। प्रियंका गांधी परसों आजमगढ़ जा रही है धरने में, परसों बैठ रही है, हमारे कपिल सिब्बल जी जाके हैं, शशि थरूर जी जाके आए हैं, सुभाष चोपड़ा जी जाके आए हैं, हमारे सारे नेता जाके आए हैं शाहीन बाग, और हर तरीके से हम खड़े हैं इन लोगों के साथ, हम देश के संविधान के साथ खड़े, संविधान को बचाने के साथ खड़े के लिए खड़े हैं। मैं फिर एक बार पूछ रहा हूँ केजरीवाल एक्सपोज हुए हैं पूरे इलेक्शन में, इन्होंने भी अपने आप को उससे बचाया है, उस लड़ाई से बचाया है, अब वोट इनको किसका मिला किसका नहीं मिला। तो फिर एक सीधा सा सवाल चुनाव पर लौटते हैं रफीअता साहब, इस चुनाव में या पिछले चार चुनाव से लगातार ऐसा हो रहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में, चार चुनाव में, दो लोकसभा दो विधानसभा, शून्य 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 शून्य, ये शून्य से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? सर 15 साल हमने राज भी किया, आप इसको आप एक ही तरह की जो किया, हम 15 साल राज भी किया दिल्ली में हमने, अरे मैं दो लोकसभा चुनाव और बीते जो दो विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। सर जनता का फैसला है, जनता किस नजरिए से देख रही है, बाकी अगर दिल्ली की जनता ये कहती है कि शीला दीक्षित ने काम नहीं किया, शीला दीक्षित की सरकार ने काम नहीं किया, शीला दीक्षित के काम की बुनियाद पर आप कब तक खाते रहेंगे? अब जनता ने, अरे सर जनता उसके बाद सर 2013 गए हुए 7 साल गुजर चुके हैं, 2013 गुजरे हुए 7 साल गुजर चुके हैं, मैं कह रहा हूं कि 2015 2020 विधानसभा चुनाव, 2014 2019 लोकसभा चुनाव, ये चार चुनाव में जो शून्य की स्थिति है, इतना प्यार शून्य से कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में कैसे हो गया, क्या वजह आप इसको मान रहे हैं? मैं इसको कोई वजह नहीं मानता, ये जो केजरीवाल जी की जो सरकार है ना, इन लोगों जो दिल्ली में झूठ और पाखंड की राजनीति हुई है ना पिछले कुछ वर्षों से, वो इसकी जिम्मेदार है, इन्होंने लॉलीपॉप दिए हैं, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने लुभावने वादे किए हैं, काम कुछ नहीं किया। आपके हिसाब से एक पार्टी और एक पार्टी का नेता झूठ बोल करके जनता को भ्रमित कर ले रहा है, मगर आप सत्य पर होते हुए भी जनता को भरोसे में नहीं ले पा रहे, ये किसकी कमी है? सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं हमने दिल्ली में काम किया है, दिल्ली में क्या काम किया पिछले 6 सालों से केजरीवाल ने, हमने मेट्रो चलाई है, इन्होंने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लिया, हमने सीएनजी लेके आए हैं, ये ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेके आए हैं, दिल्ली को प्रदूषण की मुक्त करवाया है इन्होंने। रफीअता साहब टीवी स्टूडियोज में या डिबेट में कहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा यही सवाल है कि जनता आपकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं करती है, जनता केजरीवाल पर भरोसा क्यों कर रही है पिछले 3 बार से? ऐसा है, मैं कुछ शब्द ऐसे तो नहीं कहता, लेकिन आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जैसे तमाशा होता है ना तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं हमें, रिजल्ट उसका कुछ नजर नहीं आता, वहां से निकलते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता, सेम यही हो रहा है। ये आप दिल्ली के जनता का दिल्ली के जनता के मैंडेट को का अपमान नहीं कर रहे हैं ऐसा कह के? बिल्कुल नहीं सर, दिल्ली की जनता का जो मैंडेट है उसको सर माथे में लगाया है हमने, पहले भी लगाया है, आप भी लगाया, हम काम करेंगे, इससे अच्छा काम करेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए लड़ेंगे, हम बिल्कुल संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं। ठीक है शकील चौधरी साहब, दिल्ली की जनता ने जो जिस बुनियाद पर भी वोट किया, अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि साहब अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट कीजिए और मुझे वोट कीजिए क्योंकि मैंने काम किया है, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल पर क्या आंख बंद करके भरोसा कर लिया या अपनी कसौटी पर परखा होगा? नहीं, दिल्ली की जनता जो है हमेशा जो है कभी भी जो है समझदार है और समय समय पर जो है बदलाव भी किया, जिस तरह शीला दीक्षित ने जो है काम किया था
शीला दीक्षित के काम को भी दिल्ली की जनता ने समझा, उसके बाद में उस भ्रष्टाचार को भी समझा, उसके बाद में जो है केजरीवाल साहब को मौका दिया गया, उसके बाद केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता से बोला स्पष्ट रूप में, अगर मैंने काम किया है तो मेरे काम को वोट दो। तो जो है जनता ने जो है केजरीवाल के काम को जो है सराहा, परखा, समझा, तो उन्होंने जो है केजरीवाल सरकार को जो है वोट दिया, उनके कैंडिडेटों को वोट दिया। तो ऐसे में परविंदर सेठी जी मेरे साथ में जुड़े हुए थे, वो चले गए हैं, थोड़ी देर में हम कुछ और मेहमानों के साथ में बात करेंगे। मगर अनिरुद्ध सिंह जी, अब ये फिर क्या ऐसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को सुहाते हैं, कोई लकड़ी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके बुनियाद पर उनकी तरफ खींचे चले हुए चले जाते हैं जनता? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अगर वोट प्रतिशत देखा जाए तो लास्ट 2015 का चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो 22% से ज़्यादा वोट उनको हमसे ज़्यादा वोट मिला था। अगर आज के वोट प्रतिशत देखा जाए जो रुझान के अनुसार चल रहा है, अभी लगभग चार पाँच राउंड की काउंटिंग हुई है, तो अभी जो चल रहा है तो उसमें करीब हम लोगों को 40-41% वोटिंग दिखा दे, 40% मिला। जैसे जैसे 5 राउंड की वोटिंग हो चुकी, काउंटिंग हो चुकी है, मगर आप धीरे धीरे से नीचे की तरफ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ही के उस पे मैं चैनल पे देख रहा हूं कि लगभग 14-15 सीटों पे बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है, और उसमें बीजेपी के ही लोग, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि काफी सीटें ऐसी हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें जहां बीजेपी के जो लीडर हैं अगर वो पीछे चल रहे हैं तो बहुत थिन मार्जिन से चल रहे हैं। एक और सीट है बीजेपी की बढ़ सकती है, आतिशी सिर्फ 6 सीटों से आगे चल रही है, 6 वोट से, माफ कीजिएगा, 6 वोटों से आगे चल रही है। तो ऐसे कई है, जैसे कि रोहिणी की सीट है, या कहीं कई ऐसी सीटें हैं कि जो कि कहीं बहुत ज्यादा थिन मार्जिन से चल रहे हैं। अगर हाँ बीजेपी के लोग, अगर आम आदमी पार्टी के बीजेपी के लोगों से चल रहे हैं तो 81 सीटों वो भी नहीं है कि जहां पे थिन मार्जिन से चल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मनीष सिसोदिया अभी पीछे ही हैं। रमेश जी, ये तो अच्छी खबर नहीं है आपके लिए। रोहिणी में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र सिंह जी की, विजेंद्र गुप्ता जी के लिए अच्छी खबर नहीं है, थिन मार्जिन से। अब ये ऊपर नीचे अभी थोड़ी देर पहले खबर थी कि कालका जी से आतिशी पीछे है, फिर अभी आगे हैं, तो ये सीसा का गेम 1 घंटे और चलने दीजिए, मुझे लगता है 1 बजे के बाद ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। और जहाँ तक मनीष जी की बात है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वो हमारी पार्टी के इतने मजबूत स्तंभ हैं और हमारी सरकार में चिंता भी ज्यादा हो रही होगी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मनीष सिसोदिया के, मैं सहमत हूं, मंत्रालय के कामकाज के आधार पर आपने डंके की चोट पर कहा कि साहब हमने काम किया तो हमें वोट दीजिए। जी, मैं सहमत हूं इस बात से कि अगर वो किसी सीट पर पीछे चल रहे हैं तो ये उस विधानसभा में क्या सिचुएशन है इसको देखना पड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से उनका चेहरा चिराग तले अंधेरा तो नहीं हो गया कि आपने पूरे राज्य के लिए काम करने की बात कही है, दावा किया, मगर अपने ही इलाके में आप विकास नहीं कर सके? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। पटपड़गंज क्षेत्र में विकास तो बहुत हुआ है, कुछ जातिगत समीकरण देखने पड़ेंगे वहां पर। भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा चेहरा उतारा था जो इनके संग के पुराने कंजर्वेटर थे और उत्तराखंड के लोगों पर उनका काफी, आप जातियों पे सुना है, भरोसा करने लग गए, आप तो कहते हैं विकास पे भरोसा नहीं, करते नहीं, हैं। आपके साथ तो ही होगा चिराग तले अंधेरा। मैं वही एक एक विधानसभा की अगर मान लीजिए आंकड़ों की बात की तो उससे कह रहा हूँ, मनीष जी की जो ये अभी पीछे चलने की खबर आ रही है ये चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम इस चिंता से जल्दी उभर भी जाएंगे। आधे घंटे में मनीष जी मतलब ये कि मनीष सिसोदिया के मुकाबले रवि नेगी को लोगों ने ज्यादा तवज्जो दिया पटपड़गंज में, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को। मैं अभी देखिए अभी नतीजे नहीं आए हैं इसलिए ये कंक्लूजन पे पहुंचना कि तवज्जो दिया मगर 12 बजने वाले हैं और इस स्थिति में अगर आपका वो कद्दावर नेता, वो मजबूत पिलर अगर पीछे चल रहा हो तो फिर टिप्पणियां तो बनती हैं। नहीं, टिप्पणियां करने का आपको अधिकार है और भाजपा के प्रवक्ता को भी अधिकार नहीं, है। मैं आपकी टिप्पणी की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर वो पीछे हैं तो हमारे लिए चिंता का कारण तो है, क्योंकि वो बहुत मजबूत चेहरा है, उनके किए गए काम को हमने जनता के सामने रख करके उसके आधार पर वोट मांगे हैं, इससे उनके काम में कोई कमी नहीं आ जाती, इससे उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आ जाती। परंतु हाँ, मैं ये उम्मीद भी जाहिर करता हूँ कि आने वाले समय में वो जीत करके निकलेंगे। अनिरुद्ध जी, देखिए अभी केजरीवाल जी का आप ही के चैनल पर मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे कि 6,399 वोटों से मत प्रतिशत से केवल आगे चल रहे हैं, और लोगों ने कहा कि हम बीजेपी का कैंडिडेट मतलब उतना पॉपुलर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। रीज़न क्या है? मनीष सिसोदिया जी वोटों से पीछे चल रहे हैं। अभी
लगभग 2 बजे के बाद में स्थिति बहुत स्पष्ट होती है, जहां इस तरीके से नेक टू नेक फाइट होती है और जहां बहुत ज्यादा थिन मार्जिन का होता है। आतिशी जी का बताया, मैं सिर्फ एक चीज जोड़ूंगा अर्जुन जी, अभी 1400 से मनीष जी पीछे चल रहे थे, अभी आपकी स्क्रीन दिखा रही 700 से पीछे चल रहा है। ये नहीं कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं घट रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं घटो बढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 2 बजे के आसपास जब इस तरीके से थिन मार्जिन का गेम होता है तो 2 बजे के आसपास जाके डेटा स्पष्ट होता है। चलिए, और उस डेटा का इंतजार हम करते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, शकील चौधरी साहब, परविंदर सेठी जी, रमेश मोहन जी, मनोज पंडित जी और जितेंद्र नेगी साहब, रफी अता साहब और अनुरोध सिंह जी, आप लोगों ने वक्त निकाला और सुबह से लेकर के लगातार 6 बजे से पल पल की रिपोर्ट के आधार पर हर सीट हर कैंडिडेट के बारे में विश्लेषण और उस पर तमाम पहलुओं से चर्चा हम लगातार इस वक्त कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मगर बड़ा दिलचस्प है ये आंकड़ों का खेल जो कि इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव के नजरिए से चुनाव आयोग ने अधिकृत तौर पर जो जारी किया है, रुझान के मुताबिक इस वक्त फिलहाल 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 58 सीटों पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। मगर क्या जैसे जैसे वक्त और गुजरेगा, अगला एक घंटा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर 100 वोटों से लेकर के करीब 500 वोटों का ही फासला या 1000 वोटों का ही फासला है। ऐसे में इंतजार थोड़ा सा कीजिए और बने रहिए R9 TV के साथ।